So guys, welcome to the first practical session. Good afternoon, Arya. Hi. So हमारा प्लान क्या है? देखो, आपको अल्टीमेटली आर सॉफ्टवेयर में इकोनोमेट्रिक्स की जो भी चीजें आप कर रहे हो थियोरेटिकली, वो सब चीजें करनी है, ठीक है? लेकिन अब हो सकता है सम ऑफ यू माइट हैव लर्न्ड अ फ्यू सॉफ्टवेयर्स थोड़े से टाइम पहले, या मे बी योर कोर्स, एंड सम ऑफ यू माइट नॉट हैव एनी बैकग्राउंड विद एनी कंप्यूटर्स और एनी थिंग, बट आई वुड अज्यूम दैट यू डोंट नो एनी थिंग, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ गुड अजम्पशन टू स्टार्ट विथ, सो दैट वी आर टीचिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, ठीक है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, जैसे आप पाइथन समझ लो, या फिर कुछ भी एक्सेल समझ लो, या स्टेटा समझ लो, या आर समझ लो, या जो भी और सॉफ्टवेयर्स हमने लिखे हैं, हमारे जो टेक्स्ट में हैं, हमारे जो कोर्स में हैं, वो सारे क्या हैं? एक सॉफ्टवेयर है, एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर क्या कह सकते हो, एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो आपको क्या है ना कि कंप्यूटर के साथ बातें करनी है। कंप्यूटर के साथ बातें करने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आप उसको जो बोलोगे वो टास्क वो परफॉर्म करके देगा, ठीक है? तो जब भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बातें होती है ना, तो कंप्यूटर इज नॉट ह्यूमन, ठीक है? अब मैं आपको ए बी सी डी कुछ भी बोलूं, जैसे कि प्लीज ये होमवर्क करके ले आना, मान लो मैंने अपने आपको ये स्टेटमेंट दी, तो आप समझोगे कि अच्छा होमवर्क करने को बोला है, तो फिर होमवर्क में कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क बोला है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे कि अच्छा आज इकोनॉमेट्रिक्स की क्लास थी, तो शायद इकोनॉमेट्रिक्स का ही होमवर्क बोला होगा। तो आप लॉजिकली कुछ 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 चीजें ना, एक चेन ऑफ थॉट्स अपने दिमाग में खुद बिल्ड कर लेते हो। बट कंप्यूटर को जब भी आपको कुछ बोलना होता है, तो कंप्यूटर को यही अज्यूम करना होता है कि कंप्यूटर डम्ब है, वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आपने उसको ये बोला ना कि होमवर्क करके लाना है, तो कंप्यूटर बोलेगा होमवर्क कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क, तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क, फिर अच्छा सब्जेक्ट का होमवर्क बता दिया, फिर बोलेंगे कि अच्छा आज कौन से चैप्टर का होमवर्क करना है, तो आपको उसको हर इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है। तो इट्स लाइक अ चाइल्ड जो अभी अभी चीजें सीख रहा है, तो उसको हर चीज बोलनी पड़ती है कि पहले लेफ्ट स्टेप उठाओ, फिर राइट स्टेप उठाओ, फिर हाथ ऊपर करो, फिर हाथ नीचे करो, एवरीथिंग यू हैव टू कम्युनिकेट टू दैट कंप्यूटर, ओके? तो अब जब हम लोग आर स्टूडियो में चीजें करेंगे, तो सारी चीजें इसी तरीके से होंगी। कंप्यूटर को एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि मेरा डेटा ये है, ओके, मेरे डेटा में मुझे इस वेरिएबल के लिए टेबल चाहिए, मतलब इस तरीके की चीजें होने वाली है, ठीक है? तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका बेसिस क्या है। कंप्यूटर को आपको अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने हैं, तो ह्यूमंस आधे अधूरे आइडियाज समझ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास इतना बैकग्राउंड होता है कि ये तो कॉमन सेंस है, यही तो हम होते हुए देख रहे हैं। बट कंप्यूटर के साथ ये सब नहीं होता है, उसको एक एक चीज बारीकी से बतानी होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है? दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखो, कोई भी इंसान जो है ना, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कई बच्चों के दिमाग में होता है कि मुझे क्या सारे कोड याद करने पड़ेंगे। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न ईच एंड एवरी कोड। आई पर्सनली डोंट रिमेम्बर एनी कोड। जब भी मुझे कुछ कोड चाहिए होता है, या मुझे पता होता है दिमाग में कि मुझे डेटा को इम्पोर्ट करना है, फिर मुझे कुछ डेटा को फिल्टर करना है, मुझे डेटा में ये बदलाव करना है, तो जो भी आपके थॉट्स है ना, गूगल इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड ऑल थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ लर्निंग द प्रैक्टिकल थिंग्स। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड राइट योर आइडियाज। अब हो सकता है आपको कोडिंग याद रहे या ना रहे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली उतना यूज टू हो जाओगे और थोड़ा सा जनरल चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जो चाहिए दिमाग में कि मुझे ये डेटा में एक वेरिएबल था फीमेल्स, तो मुझे मेरा डेटा सिर्फ फीमेल्स के लिए चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ये चीज गूगल कर दो, सेम चीज गूगल करो, उसके रिलेटेड कोड आएंगे, ठीक है? जब भी आप कोड करते हो, कोडिंग में ना बहुत सारे एरर्स आएंगे आपसे। एक दूसरा जो जनरल गाइडलाइन ये है कि एरर्स से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। एरर जो है ना, एरर को रीड करने से ही आपको कोडिंग आती है, ठीक है?
जितने एरर्स आएंगे, जितनी गलतियां करोगे, आपका काम क्या होगा, आपको एक एरर आएगा, फिर आप उस एरर को सुधार के फिर कुछ और करोगे तो उससे कुछ दूसरा एरर आएगा, फिर उस दूसरे एरर को समझोगे कि अच्छा ये मैंने क्या गलती करी, फिर उसको समझोगे, ये एक चेन है। तो आपका टास्क क्या होता है, लीस्ट एरर करना, ठीक है? तो एरर्स आते रहेंगे, एरर से बिल्कुल नहीं घबराना, एरर इज अ वेरी नाइस वे टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड दैट विल टेल यू द फिलोसफी ऑफ हाउ कोडिंग वर्क्स, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कोडिंग करते हो, जितनी ज्यादा आप कोडिंग करोगे, आपका टास्क ये रहेगा कि लीस्ट एरर आए, ठीक है? और एरर्स को पढ़ पढ़ के, समझ समझ के, एरर्स रिजोल्व कर करके आप जितनी सबसे ज्यादा लर्निंग जो है ना वो वहीं पे होती है। तो अभी आगे जाके जब आप जॉब्स करोगे तो आप पाइथन करोगे या कुछ भी, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज करोगे, उसमें यही होता है। स्टार्टिंग में जब नया नया बच्चा जाता है या नया नया आपका जॉब लगता है तो आपको बड़ा घबराहट होती है कि हाय इसमें तो इतने एरर्स हो गए हैं, मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं है। बट ओवर टाइम यू रियलाइज कि एरर आना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज आती नहीं है, इतनी सारी चीजें, यू कैन नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, नोबडी, इवन द प्रो कोडर्स मे नॉट रिमेम्बर ऑल ऑफ इट, बट उनको पता है, उनको अंदर से दिल में ये कॉन्फिडेंस है कि ये एरर आया है, मैं कुछ ना कुछ करके इस एरर को रिजॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी। और कोडिंग करने का एक फायदा और होता है कि आपको जिंदगी में ना कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो करके, कुछ ना कुछ पढ़ाई करके, कुछ ना कुछ सर्च करके, हजार चीजें ट्राई करके, आई विल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो यू काइंड ऑफ फील वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दैट पर्सनली हैपेंड विद मी। सो इफ यू डू मोर एंड मोर ऑफ इट, यू विल रियलाइज ओवर टाइम कि इट्स लाइक दिस ओनली, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। एरर से घबराना नहीं है, गूगल इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, यू शुड जस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट वॉट यू वॉन्ट टू डू एज अ टास्क, कि मुझे एक डेटा को फिल्टर करना है या मुझे एक वेरिएबल में बदलाव करने हैं, जो भी आप चाह रहे हो, एंड देन यू कैन जस्ट राइट इन आर सॉफ्टवेयर, या अगर आप स्टेटा यूज करें, हाउ टू डू दिस इन स्टेटा, सो देर आर मल्टीपल आर्टिकल्स दैट यू विल सी, एंड धीरे धीरे वो आर्टिकल को फॉलो करो, ठीक है? उसमें से हो सकता है एक चीज चले एक चीज ना चले, तो ये ट्रायल एरर का गेम रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में अभी। तो इस चीज से बिल्कुल घबराना नहीं है। तो दैट बीइंग सेड, दिस इज लर्निंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज लाइक यू नो एक फिलॉसफी आप समझने वाले हो कि लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, और कंप्यूटर डम्ब होता है, उसको कुछ नहीं पता है और उसको सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है? कि ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, एवरीथिंग यू हैव टू गिव द कंप्यूटर स्टेप वाइज, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। एंड नाउ दैट बींग सेड, लेट अस स्टार्ट द सेशन, और धीरे धीरे जो है हम लोग चीजें समझते चलेंगे। और इसमें क्या है कि एक लर्निंग कर्व है, स्टार्टिंग में सब चीज आपके लिए नई होगी, एकदम हर चीज आपके लिए नई है कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्टरी क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, और ये फिल्टर क्या हो रहा है, डेटा फ्रेम क्या हो रहा है, ये सब आपको लगेगा अरे ये तो दिस इज टू मच टू हैंडल, ठीक है? दिस हैपेंस। लेकिन जैसे आप 2 3 4 सेशन ऐसे कर लोगे तो फिर आपको थोड़ा कंफर्ट आने लग जाएगा और आप समझ जाओगे कि अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे 3 4 क्लासेस के बाद। स्टार्टिंग में बहुत मे बी सम पीपल माइट फील इट वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एंड लाइक कि हमें कभी समझ में नहीं आएगा ये, बट यू जस्ट हैव टू पास थ्रू दैट स्टेज ताकि चीजें थोड़ी सी थोड़े से मतलब ईज पे रहो आप। और ये चीज हर लैंग्वेज के साथ होती है, ठीक है? आप कोई फ्रेंच सीख लो, जर्मन सीख लो, और अब बचपन में हिंदी और इंग्लिश सीख रहे थे तब भी वही होता था, ठीक है? आई हैव लर्न फ्रेंच, तो उसमें वो पहले हल्के हल्के छोटे छोटे सेंटेंस सिखाते, मेरा नाम ये है और वो है, और स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर वो क्या करते हैं आपको धीरे धीरे जो है एक पैराग्राफ पढ़ने को दे देते हैं। अब उसमें से आपको वैसे भी कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो फिर आप छोटे छोटे जो आपको वर्ड्स आते हैं उसको समझते हो कि अच्छा ये जमापेल है और ये जितेम है और ये वो है, कुछ कुछ ऐसे करके वर्ड्स कलेक्ट करके अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में पूरे पैराग्राफ समझने की कोशिश करते हो। और फिर जितने ज्यादा आप पैराग्राफ्स ऐसे 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 देखते हो ना, आपको एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ मुझे पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, आई मे नॉट बी द बेस्ट एट इंटरप्रेटिंग ईच एंड एवरीथिंग बट आई नो वट इज गोइंग ऑन, सो द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू, ठीक है? तो या ओके सो ऑल राइट नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या करनी है, लेट मी
Start sharing this. Can you guys see my screen? यस मैम। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आर सॉफ्टवेयर चलाने के भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर्स में आर डाउनलोड करना पड़ेगा और आर स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा. ठीक है, आर एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है. जो भी स्टेटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड काम रहेगा, रिग्रेशन होगा और भी मैथमेटिकल कंप्यूटिंग होगी, बहुत कुछ होता है वो सबके लिए. दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है. तो हमें पहला टास्क जो है हमारा क्या होगा कि हमको आर आर डाउनलोड करना है और आर स्टूडियो भी डाउनलोड करना है. ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें जो है, अब चीजों में डिफरेंस कहाँ से आ सकता है कि आपका विंडोज लैपटॉप है या आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या मे बी आई डोंट नो इफ समबडी इज यूजिंग उबंटू और नॉट. अगर आप लोग आई थिंक मतलब जब आप काम करते हो जॉब्स में तब कई बार कई जगह उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग डाल के देते हैं, या कई बार अगर कंप्यूटर आपको कॉलेज से इश्यू होता है तो भी कई जगह उबंटू सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, तो जस्ट वांटेड टू चेक विद यू हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग विंडोज, हाउ मेनी मैक, एंड इफ एनीबडी इज यूजिंग उबंटू. विंडोज, ठीक है, वेरी नाइस. विंडोज विंडोज, गुड गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस. ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट. हाँ, तो एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे कुछ कुछ कमांड्स होती हैं, स्लाइट सम फ्यू कमांड्स, जो विंडोज में थोड़ी सी अलग होती है मैक में थोड़ी सी अलग होती है, हर कमांड के साथ ऐसा नहीं है, स्लाइटली. तो अगर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, जो भी आप गूगल करोगे उसमें आपने क्या लिखना है, इन विंडोज, ऐसे करके. ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस. ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें आर डाउनलोड करना है. अगर आपका उबंटू है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको यहाँ से, तो ये बेसिकली एक वेबसाइट है, क्रैन डॉट आर प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी. इफ यू जस्ट गूगल ना कि क्रैन आर स्टूडियो, यू कैन जस्ट डू दैट एंड देन द फर्स्ट लिंक दैट यू गेट यहाँ पे, क्रैन आर प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी. इफ यू ओपन इट अप इट विल शो यू कि अगर आपको अब आर डाउनलोड करना है तो मैक ओएस के लिए ये लिंक यूज करोगे, विंडोज के लिए ये यूज करोगे और लिनक्स के लिए ये यूज करोगे. ठीक है, तो विंडोज के लिए ये आ जाता है, इफ दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भी यू कैन हैव द बेस वर्जन. ठीक है, सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू डू इट फॉर द मैक, देन बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव राइट नाउ, जो नए 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 जो तरीके के मैक्स हैं, जो नए वाले लेटेस्ट वाले हैं जिसमें M1 M2 है, तो उसके लिए आप ये वाला पैकेज डाउनलोड कर लो. जो पुराने मैक्स हैं उसके लिए आप ये वाला लिंक यूज कर सकते हो. एंड इफ यू हैव द प्रीवियस, इफ यू हैव द उबंटू वर्जन, देन यू कैन यू नो विच एवर वन यू हैव, लेट्स से उबंटू, देन यू कैन यूज इट फ्रॉम हियर. ठीक है, बट आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल विल हैव दिस. इन केस किसी का उबंटू हो तो लेट मी नो, आई हेल्प यू नेविगेट दैट. उसका थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है. ठीक है, विंडोज और मैक में वो ऑटोमेटिकली एक लिंक क्लिक करके आराम से डाउनलोड हो जाता है. उबंटू में जो है आपको अपनी टर्मिनल में जाके कमांड्स वगैरह देनी पड़ती हैं, तो उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगी इन केस एनीबडी इज यूजिंग उबंटू. ठीक है, चलो. नाउ दैट बीइंग सेड, आई होप इन केस थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर कॉलेज यू माइट हैव डाउनलोडेड इट. आर डाउनलोड किया है कि नहीं किया है, किसी ने भी किया है, नहीं किया है, यस, ओके. तो आपको विंडोज के लिए यहाँ पे जाना है और मैक के लिए यहाँ पे जाना है. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आर डाउनलोड कर लिया है, उसके अलावा परफेक्ट, वेरी नाइस. ठीक है, एंड ये सब चीजों के लिए आराम से यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, इन केस समबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम. ये जो पार्ट है इससे आपको समझ में आएगा कि गूगल कितना इम्पोर्टेंट है और यूट्यूब कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो
ये सारी चीजें आपको खुद से बहुत सारी चीजें करना सिखाएंगी, ठीक है? तो विंडोज के लिए आपको यहाँ पे, या आई एम टेलिंग यू ना, इफ यू हैव विंडोज यू कैन जस्ट गो हियर, इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन यू कैन डू दिस, ओके? तो grand.rproject.org, दैट इज द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू हैव डाउनलोड द आर. उसके अलावा दूसरी चीज जो हमें डाउनलोड करनी है वो क्या रहेगा हमारा, आर स्टूडियो. आर स्टूडियो किस चीज में हेल्प करेगा कि मुझे अपनी एक स्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे आर को बताना है कि मुझे क्या क्या करना है, और मुझे देखना भी है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको करने को वो कहाँ पे क्या क्या कर रहा है. तो बेसिकली टेलिंग द कमांड्स टू आर एंड देन सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट, वो सब हम लोग आर स्टूडियो पे करेंगे, ठीक है? आर स्टूडियो अगर आपको डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. यू कैन जस्ट गूगल आर स्टूडियो एंड देन दिस इज द फर्स्ट लिंक दैट कम्स अप, आर स्टूडियो डेस्कटॉप, एंड देन यू कैन डाउनलोड इट. सो और अगर आपको आर भी डाउनलोड करना है तो यू कैन गो फ्रॉम हियर एंड देन इट विल अगेन टेक यू टू द सेम वेबसाइट, ठीक है? तो आर यहाँ से डाउनलोड करना है और आर स्टूडियो यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे मैक ओएस के लिए ये सारे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. पुराने और भी जो सिस्टम है, विंडोज के लिए यहाँ से, उबंटू के लिए यहाँ से, ये सब अलग अलग जो है कॉन्फिगरेशंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कहाँ से क्या डाउनलोड करना है. सो इफ यू हैव द विंडोज सिस्टम देन यू कैन गो फ्रॉम हियर, इसको डाउनलोड करके इसमें जो भी चीजें आएंगी उसको ओपन करके वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा. फिर उसमें बहुत सारे अग्रीमेंट्स आते हैं, येस आगे बढ़ो, मूव मूव, यू मस्ट हैव नोन दैट. जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो बहुत सारे अग्रीमेंट्स लेता है और फिर वो बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करता है, राइट? तो वो सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है? तो आपके पहले दो टास्क जो होंगे वो क्या है, हर इंसान के ये तो करना ही है सबको, आर डाउनलोड करना है अपने डेस्कटॉप पे एंड आर स्टूडियो भी डाउनलोड करना है, ठीक है? बेस्ड ऑन योर डिवाइस, मैक हो सकता है, विंडोज हो सकता है, लिनक्स, उबंटू, जो भी आप यूज कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डाउनलोड आर एंड यू ऑल्सो हैव टू डाउनलोड आर स्टूडियो, ठीक है? ये दो टास्क है जो करने हैं सबको, ठीक है? ओके ठीक यस मैम, है, तो ये सबको ट्राई करना है सबसे पहले. अच्छा, अज्यूमिंग कि मान लो ये वाला सिस्टम हो गया हमारा, हमने आर भी डाउनलोड कर लिया, हमने आर स्टूडियो भी डाउनलोड कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि ये आर स्टूडियो दिखता कैसा है, ठीक है? तो अब वो देखते हैं हम लोग कि ये आर स्टूडियो कैसे दिखता है. तो अब अगर आप इसको देखोगे तो लेट मी जस्ट शो यू. I want to share my whole screen so that you can see. देखो, can you see my screen? यस मैम, हाँ जी. तो अब आपको मान लो आपने आर स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, तो वेयर आई विल गो, आई विल जस्ट डू अ सर्च आर स्टूडियो एप्लीकेशंस. जस्ट अ सेकेंड. ओके, वेयर हैव आई डाउनलोडेड इट? तो दिस इज आर कंसोल, बट आई वांट आर स्टूडियो टू बी ओपन्ड. मे बी आई थिंक आई हैव डाउनलोडेड इट समवेयर, जस्ट अ सेकेंड. या ओके, तो इस तरीके का एक आइकन आ जाएगा आपके पास. इसमें क्या है,
इसको एप्लीकेशंस में डाल देते हैं। आपको आर स्टूडियो ओपन करना है, तो जब आप आर स्टूडियो ओपन करोगे तो क्या होगा? कैन यू गाइस सी दिस? यस यू गाइस मैम, एबल टू सी दिस? या ओके, सो यस इट्स विजिबल, ग्रेट। आई विल जस्ट मिनिमाइज माई, या देखो अब इस पूरी चीज में क्या क्या चीजें हैं ये जरा देखना है हमें, ठीक है? तो इसको मान लो हमने ओपन कर क्लोज कर दिया, उसके अलावा एक फाइल खोल ली, न्यू आर स्क्रिप्ट, ठीक है? अब देखो जरा, ये जो पूरा जो आर स्टूडियो है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? जैसे ये जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं आर स्क्रिप्ट, ठीक है? स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? मूवी स्क्रिप्ट सुना होगा आपने, मूवी स्क्रिप्ट में क्या होता है? उसमें लिखा होता है, डायलॉग्स लिखे होते हैं और स्टोरी भी होती है कि भाई कौन से सीन में क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, कौन से इंसान का डायलॉग क्या रहेगा, ये होता है। तो आर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं सब कुछ लिखूंगी कि जो मेरे को आर से करवाना है, तो मैं उसको बताऊंगी कि मेरा डेटा इंपोर्ट करो, फिर मेरा डेटा खोलो, फिर मुझे डेटा दिखाओ, फिर मुझे डेटा का मीन क्या है और वेरिएंट्स क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सब एक टेबल में बना के दो। तो जो भी आपको काम करवाने होंगे आर से, तो जो भी आप कमांड लिखोगे वो सब इस पीस में होता है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे होता है, ठीक है? और जो आर में स्क्रिप्ट बनती है उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट आर होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फोल्डर है इकोनॉमी ट्रिक्स, अब यहाँ पे जो है session 1 इंट्रोडक्शन डॉट आर, तो जो भी फाइल का डॉट आर एक्सटेंशन रहता है, जैसे डॉट पीडीएफ होता है राइट, डॉट XLSX होता है या डॉट CSV होता है, ये सब एक्सटेंशन होते हैं। तो जिस भी फाइल का एक्सटेंशन डॉट आर है उसका मतलब क्या है कि वो एक आर स्क्रिप्ट है, ठीक है? और उस आर स्क्रिप्ट में बहुत सारी कमांड्स होंगी जो आपको रन करनी है या आपने रन करके फिर उसको सेव किया हुआ है, तो इस हिस्से में आपकी कमांड्स लिखी जाती हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? सो हियर यू विल राइट ऑल द कमांड्स दैट यू हैव टू रन। तो जो भी आपको काम करवाना है उसके इंस्ट्रक्शंस इधर होंगे, ये आर स्क्रिप्ट वाले हिस्से में। और ये जो चीजें हैं ना इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो बेस्ड ऑन आपको कितना स्पेस चाहिए, ऊपर नीचे, ये वाली चीज को थोड़ा सा साइड में कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, ये आपके पर्सनल नीड्स के हिसाब से है, ठीक है? जैसे मुझे आपको रिजल्ट्स दिखाने हैं तो मैं चाहती हूँ कि जहां पे भी रिजल्ट आए वो हिस्सा थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है? चलो ये हो गई आर स्क्रिप्ट। दूसरी चीज होती है आर कंसोल। कंसोल क्या चीज होती है कि जो भी मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूंगी, जो भी मैं यहाँ पे इसको काम करने को बोलूंगी, वो सारे काम का रिजल्ट इधर दिखेगा यहाँ पे, ये जो कंसोल है, ठीक है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये आर वर्जन ये है, दिस इज फाउंडेशन फॉर स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर एंड कम्स विद एब्सोल्युटली नो वारंटी, ठीक है? और लाइसेंस के बारे में जानना हो तो ये सब लिख दो, इट्स मल्टीपल पीपल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट एंड डेमो हेल्प ये वो जो भी आपको करना है वो सब आप कर सकते हो। और आर को अगर बिल्कुल क्लोज करना है तो या तो यहाँ से क्लोज कर सकते हो या फिर इसी के अंदर आप क्यू डबल ब्रैकेट्स लिख के आर को क्विट कर सकते हो। जैसे मान लो इधर हमने ये लिख दिया क्यू ब्रैकेट ओपन, तो ये जो है होपफुली क्विट हो गया, अब ये अपना आर बंद हो गया। मतलब अलग अलग चीजें हैं जो इन्होंने लिख करने को बोली हुई है वो हमने कर दी, ठीक है? चलो हम दोबारा आर सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, आर स्टूडियो। यू गाइस कैन सी द होल स्क्रीन राइट? या ओके फाइन, ठीक है परफेक्ट। तो अभी हमने क्या देखा, स्क्रिप्ट में क्या क्या काम हमें करना है वो सब लिखा जाएगा,
वो काम जो उसका रिजल्ट आता है, जो दिखता है, वो सब इधर होता है कंसोल के अंदर, ठीक है। तो यूजुअली मैं क्या चाहूंगी कि कंसोल जितना बड़ा हो सके उतना हो, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखाने हैं मुझे। लेकिन आपके लिए मे बी इट्स नॉट सो वर्दी, तो आप बोलोगे कि इसको छोटा रखते हैं, स्क्रिप्ट बड़ी रखते हैं, जो भी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये दोनों चीजें समझ गए। अब इसमें जो है, अब हमारा तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, विच इज दिस इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मैं डेटा इंपोर्ट करूंगी, जो भी मेरे स्क्रिप्ट के थ्रू डेटा चल रहा होगा, जिस डेटा पे मैं काम कर रही होंगी, वो सब यहाँ पे लिखते हुए आएगा। अभी जब हम डेटा इंपोर्ट करेंगे और जब डेटा हमारे पास होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड होते रहेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो इन्वायरमेंट है, उसमें क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हो, तो कौन सा वेरिएबल क्या है, आपने जो नई नई चीजें डिफाइन की हैं, वो सब यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा। कि ए का मतलब आपने बोला है कि ए का मतलब है 5, आपने बी का मतलब बोला है 10, या आपने एक डेटा लिखा है वेज डेटा, वो डेटा ये है, इस डेटा में इतने वेरिएबल्स हैं। तो जो जो भी आप काम करते रहोगे, जो नए नए वेरिएबल्स डिफाइन करते रहोगे, जो भी आपका डेटा होगा, वो सब इधर होता है इन्वायरमेंट में। अभी क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट इज एम्प्टी, मतलब अभी कुछ काम हमने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, तो स्क्रिप्ट हो गई, कंसोल हो गया, और फिर इधर इन्वायरमेंट हो गया। अब यहाँ पे हिस्ट्री भी आ जाती है। हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने क्या क्या कमांड्स रन किए। तो जैसे हमने एक क्विट कमांड क्यू ब्रैकेट ओपन किया था, तो वो इधर आ गया है कि ये हिस्ट्री हुई है, मतलब क्या क्या आपने सो फार ये आर सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया है, ठीक है। फिर कनेक्शंस, ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारी चीजें जो हैं नहीं पता है या सीखनी है, तो वो सब आप इधर देख सकते हो ट्यूटोरियल्स के अंदर, ठीक है। बट हमें जो मेन चीज जो रेलेवेंस में होगी, वो होगी आर इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब ये जो हिस्सा है जहाँ पे फाइल्स लिखी हुई हैं, उसमें क्या होगा कि आपकी आपका जो पूरा कंप्यूटर है, उसमें क्या क्या फोल्डर्स हैं आपके। क्योंकि आपको ना, जब आप आर सॉफ्टवेयर में काम करोगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि मान लो आपको कोई फाइल मंगानी है या आपको कोई डेटा देखना है, तो आप कंप्यूटर को ऐसे थोड़ी बता दोगे कि वेज नाम का कोई एक फोल्डर है, वेज नाम का कोई एक डेटा है, उसको ले आओ। तो फिर कंप्यूटर पूछेगा वेज नाम का डेटा कहाँ पे ढूंढना है, तो आप उसको बताओगे कि वो इकोनोमेट्रिक्स एक फोल्डर है, उसके अंदर जाके चेक करना है। तो आपको उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, आप ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि चलो ढूंढ लाओ एक वेज नाम का डेटा है वो ढूंढ लाओ, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको उसको बताना पड़ेगा, आप उसको एक पाथ देना पड़ेगा। किसी नए इंसान को बोलते हो कि यहाँ पे चांदनी चौक में जाके शॉपिंग करके आओ, तो और वो इंसान पहले कभी नहीं गया है वहां पे, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा कि पहले यहाँ से जाना, फिर मेट्रो लेना, और फिर येलो लाइन लेना, और फिर इधर उतरना, और फिर ये गली जाना। तो आपको उसको रास्ता बताना पड़ता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर को भी आपको रास्ता बताना पड़ेगा। तो ये सब जो फोल्डर्स हैं यहाँ पे, ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो जैसे मान लो इकोनोमेट्रिक सॉफ्ट फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास ये एक डेटा है wage1.csv। तो मुझे अगर कंप्यूटर को बोलना है या आर के थ्रू ऑपरेशन करना है कि मुझे ये डेटा देखना है और इस डेटा पे काम करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इकोनोमेट्रिक्स करके एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है wage1.csv, इसको लेके आओ, ठीक है। तो ये सारा काम जो है आपको, ये जो अलग अलग फोल्डर्स दिए हैं, आपको इसमें हेल्प करते हैं कि भाई डेस्कटॉप में अगर कुछ चाहिए तो वो सब क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आपको कुछ चाहिए तो वो सब क्या क्या होगा। तो दिस साइड इज बेसिकली टू हेल्प यू नेविगेट थ्रू हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड इन योर ओन कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंडली, प्लॉट्स, पैकेजेस, ये सब क्या है। प्लॉट्स में क्या होगा कि जो भी चीज आप आर स्क्रिप्ट में, मान लो आपने कुछ ऐसा कमांड दिया जिससे कोई एक डायग्राम बनने वाला है, स्कैटर प्लॉट, तो वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा प्लॉट्स के अंदर, ठीक है। पैकेजेस, आर के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, कुछ कई बार क्या है ना कि कुछ अलग अलग तरीके के फंक्शंस आपको चाहिए, वो एक पैकेज के अंदर क्लब किए होते हैं, हर इंसान को उस पैकेज की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट नहीं होते हैं। तो आपको अगर मान लो कोई एक सेट ऑफ फंक्शंस यूज करने हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, या मे बी कोई फिजिक्स के बहुत सारे फंक्शंस है जो आपको यूज करने हैं,
तो मे बी कोई फिजिक्स रिलेटेड पैकेज होगा जिसमें वो सारे फंक्शंस को कोड किया होगा। तो अगर आपको वो फिजिक्स रिलेटेड फंक्शंस चाहिए तो आप वो पैकेज बुलाओगे, स्क्रिप्ट में लिखोगे कि भाई वो पैकेज लेके आओ, और फिर जैसे ही आप वो पैकेज बुलाओगे फिर उस पैकेज में जो जो फंक्शंस हैं उसको आप यूज कर पाओगे। तो वो क्या क्या पैकेजेस हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे देखो यहाँ पे डेटा सेट, एक पैकेज है जिसका नाम है डेटा सेट, जिसमें क्या होता है कि आर के अंदर जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड डेटा सेट्स हैं वो सब लिस्टेड होते हैं। जैसे एक पैकेज है DPLYR, डीप्लायर, जिसमें क्या होता है डेटा मैन्युपुलेशन रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पैकेज हम लोग बुलाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारे डेटा को अगर मैन्युपुलेट करना है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे और अलग अलग तरीके के चीजें हैं, एक एक पैकेज है MAGRITR, मैग्रिटर इफ यू वांट टू कॉल इट, अ फॉरवर्ड पाइप ऑपरेटर फॉर आर। एक फंक्शन होता है फॉरवर्ड पाइप जो हम लोग आज की क्लास में यूज करेंगे, अगर वो फंक्शन आपको यूज करना है तो आपको ये पैकेज बुलाना पड़ेगा। उस पैकेज को बिना बुलाए अगर आप कुछ लिखोगे ना तो ये बोलेगा कि ये फंक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो सब भी देखेंगे। मेट्रिक्स एक पैकेज है जिसमें मेट्रिक्स रिलेटेड काम करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो तरीके के सॉफ्टवेयर्स सॉरी पैकेजेस है ना जो आपको जो आप यूज कर सकते हो जिसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, वो सब की लिस्ट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा हेल्प, हेल्प में क्या होता है कि भाई अब सबको तो सब कुछ नहीं पता है, तो हेल्प के अंदर क्या क्या होता है कि अगर मान लो आपको आर सीखना है ऑनलाइन तो ये इधर बेसिक चीजें आपको बता देगा, शुरू में कैसे करना है, इंटरमीडिएट्स के लिए कैसे करना है, बिगिनर्स पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, फिर आराम से जेंटल इंट्रोडक्शन लेंगे, डेटा साइंस ये वो। तो बेसिकली इफ यू ट्राइंग टू नेविगेट इट ऑन योर ओन, इफ यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम यू कैन यूज द हेल्प बटन एज वेल, ठीक है। तो गेटिंग हेल्प विद आर स्टूडियो से रिलेटेड चीजें, चीट शीट, चीट शीट में क्या रहता है कि बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आर स्टूडियो रिलेटेड, व्यू द चीट शीट। तो अभी हर चीज को एक्सप्लेन किया है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, ठीक है, ये इम्पोर्ट डेटा सेट है, ये इम्पोर्ट डेटा, हिस्ट्री ऑफ द कमांड्स दैट यू हैव रन, ठीक है, आर के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स क्या क्या हैं, ये सब चीजें हैं, जूम करना है, पैकेजेस अपडेट करने हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये सब चीजों में जितना डिटेल में आप जाना चाहो आप जा सकते हो। इंट्रोडक्शन टू आर, अब ये एक मैनुअल है यहाँ पे, अब यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई हुई हैं, सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। और मान लो जैसे आपको इन जनरल कुछ सर्च करना है, जैसे मान लो पाइप ऑपरेटर के बारे में देखना है, तो जैसे मान लो सबसेट करना है, कोई एक फंक्शन होता है सबसेट, ठीक है, तो आप यहाँ पे हेल्प में जाके उस फंक्शन को लिखोगे और फिर उस फंक्शन के रिलेटेड मान लो आपने ये सर्च किया तो ये सबसेट के अंदर जो जो डिटेल्स हो सकती हैं वो यहाँ पे लिख दी जाती हैं, ठीक है। कि अगर आपको किसी वेक्टर, किसी मैट्रिक्स या एक डेटा फ्रेम को सबसेट करना है तो वो ये सबसेट फंक्शन करता है, ठीक है। तो अब इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, एक्स क्या होगा, सिलेक्ट क्या होगा, डिटेल्स, फिर कई बार एग्जाम्पल्स भी करके दिखाए होते हैं। तो ये सब किस लिए होते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर आप भी सिमिलर काम करना चाहते हो। सबसेट का मतलब होता है कि एक बड़ा सेट है उसके कुछ हिस्से करने हैं, तो एक बड़ा डेटा है उसका कुछ हिस्सा करना है तो उसके लिए सबसेट फंक्शन यूज होगा। तो ये हेल्प जो है आपके काफी काम आएगी। मान लो आपको डायरेक्टरी के रिलेटेड कुछ देखना है, डायरेक्टरी रिटर्न टू द होम डायरेक्टरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये धीरे धीरे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एंड व्यूअर प्रेजेंटेशन, नो नीड फॉर दैट। सो द मेन थिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इज फर्स्ट द स्क्रिप्ट एरिया, आर स्क्रिप्ट, देन दिस कंसोल, देन यहाँ पे जो स्क्रिप्ट में चीजें जैसे जैसे डिफाइन होंगी वो यहाँ पे दिखाई देती रहेंगी आपको, और ये आपका जो भी कंप्यूटर है उसमें जिस तरीके से चीजें सेटअप हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है।
ये चीजें समझ में आ गई अभी? इसमें कोई प्रॉब्लम है? सो फार सो गुड, ठीक है, वेरी नाइस। चलो तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके हिसाब से, और ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और हम धीरे धीरे जो है ना, अब आर स्क्रिप्ट हम क्या करेंगे, अब अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। सो द न्यू पैकेज आर टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द हेल्प। न्यू पैकेज जो भी आपको डाउनलोड करना है वो हेल्प से डाउनलोड नहीं करना है, वो सब स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट के अंदर ही आप लिख दोगे कि मुझे ये वाला पैकेज डाउनलोड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। वो मैं करके दिखा दूंगी आपको अभी, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज है, अब बहुत सारी चीजें होंगी जो कमांड होंगी, जिस मतलब वो एक कमांड की लाइन है, एक फंक्शन है जो आप रन करोगे। कमांड जो है रन करी जाती है, एक कमांड लाइन है, आप कुछ लिखोगे कि मुझे कुछ करना है और फिर उस चीज को रन करोगे। दो तरीके होते हैं, या तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक साथ रन कर दी जाए, लेकिन वो तब किया जाता है जब आपकी पूरी स्क्रिप्ट ऑलरेडी बन गई है। अभी हम क्या है, ट्रायल एरर स्टेज में, तो हम अपनी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, हम अपनी मूवी बना रहे हैं। तो मूवी में क्या है कि बहुत सारे लोगों के डायलॉग्स होते हैं, और फिर जब आदमी डायरेक्ट कर रहा होता है तो वो बीच में अपने कमेंट्स भी लिखता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा इमोशनल सीन चाहिए, यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर है वो हंसना चाहिए, या वो यहाँ पे बहुत सीरियस होना चाहिए। स्क्रिप्ट में बहुत सारे कॉमेंट्स चाहिए, राइट? स्क्रिप्ट में कॉमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड। पहली बात तो क्या कर लो, इसको फाइल पे जाओ और न्यू फाइल, आर स्क्रिप्ट न्यू फाइल अगर आपको चाहिए तो ये आर स्क्रिप्ट करके एक न्यू फाइल आ जाती है, यहाँ पे अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, ऐसे हो गया। इसको आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, और आइडियली सेव कर देना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप सेव करोगे तो इसका नाम हो जाएगा कि क्लास प्रैक्टिकल क्लास सेशन, प्रैक्टिकल क्लास सेशन 1। अब मैं यहाँ पे ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब आप एक बार कोडिंग शुरू कर देते हो ना तो आपको आदत हो जाती है अंडरस्कोर लिखने की। क्यों? क्योंकि आप कभी भी कहीं पे भी स्पेस नहीं रखना चाहते, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है, तो आप स्पेस छोड़ना हमेशा अवॉइड करते हो। तो प्रैक्टिकल और क्लास के बीच में स्पेस यूजुअली होता, तो वो स्पेस नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने अंडरस्कोर लिख दिया ताकि चीजें बढ़िया फॉर्मेट में रहें, ठीक है? तो हम जो है एक इकोनोमेट्रिक्स करके अपना फोल्डर है, उसके अंदर इस चीज को सेव कर देते हैं, ठीक है? तो इसको हमने सेव कर दिया। अब ये हमारा प्रैक्टिकल क्लास सेशन 1.R, ये एक फाइल खुल गई, ठीक है? अब हमने जो है अपनी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करनी है, और स्क्रिप्ट में चाहिए हमें कमेंट। तो कोई भी बात आपको अपने आप से जो करनी है ना, जो रन हो ही नहीं सकती, उसका वैसी कोई बात है ना, तो आप सबसे पहले ये क्या लगाओगे, इसको क्या बोलते हैं, हैशटैग की हैश, क्या बोलते हैं, हैशटैग हैश बोलते हैं, आई थिंक हैश बोलते हैं, हाँ। तो जो भी चीज आप हैश, आप स्टार्टिंग में हैश लिखोगे और हैश के बाद कुछ भी लिखोगे, वो क्या है, वो पार्ट जो है कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया कि आज बहुत अच्छा दिन है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये चीज कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, ठीक है? सो ये किस लिए होता है, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए, अच्छा मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि अभी तो आप काम कर रहे हो तो आपको सब याद रहेगा। फिर जब मान लो ये सेम चीज, सेम स्क्रिप्ट एक महीने बाद देखोगे ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब भी आप काम करना शुरू करो, जो भी चीज आप कर रहे हो ना, वो डिटेल में लिख दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू आर, टू आर अभी क्या है, बेसिक्स, हम लोग समझेंगे बेसिक्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, या डेटा विजुअलाइजेशन, या डेटा जो भी कुछ भी कह रहे हो, बेसिक्स ऑफ आर, मान लो हम ये सीखना है। तो ये हमने कमेंट कर दिया, तो ये चीज जो है ये कभी रन नहीं हो सकती। अगर इसको आप रन करोगे ना, जैसे ये लाइन है, जब भी कोई चीज, जब भी कोई कमांड रन करनी होती है, आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रन, उसको जब आप रन करोगे ना, तो अब ये कमेंट जो है, यहाँ पे एक कमेंट था, अब ये देखो ये यहाँ पे क्या था, इंट्रोडक्शन टू आर, अब ये सेम चीज इधर कंसोल में ब्लू कलर की हो गई,
मतलब इसने रन कर दिया लेकिन कुछ किया नहीं क्योंकि ये कमेंट था, तो इसने कमेंट जो आपने लिखा था वो सेम कमेंट लिख दिया, अब इसने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो जो भी चीज कमेंट के बाद लिखी जाती है, हैश के बाद लिखी जाती है, हैशटैग के बाद लिखी जाती है, वो चीज रन नहीं होती। जैसे सेम चीज मैं लिख दूंगी कि डेटा इंपोर्टिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है, इंपोर्टिंग डेटा विजुअलाइजेशन, ये हम लोग सीखेंगे। तो इसको रन करोगे तो कुछ रन नहीं हुआ क्योंकि ये हम अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो हैशटैग के बाद जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हो, ठीक है। तो हो सकता है, एंड हो सकता है क्या होगा ही, जब आपको एंड सेमेस्टर जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो वो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं मांगते हैं, वो स्क्रिप्ट भी मांगते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करके आपने अपने रिजल्ट लिखे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट देख के समझते हैं कि आपने कॉपी किया है या आपने क्या तरीके से चीजें करी हैं या जो भी उनका तरीका है। तो यूजुअली जब भी रिजल्ट मांगे जाते हैं तो आर स्क्रिप्ट भी भेजने भेजने के लिए बोला जाता है, और आपका जो भी रिजल्ट है उसको भी करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कॉमेंट्स की बात। सो वेन एवर देर इज अ हैश मीन्स यू आर कॉमेंटिंग, ठीक है। तो जो भी चीज ग्रीन हो जाए ऐसे करके हैश के बाद, इसका मतलब ये आप अपनी खुद से बातचीत कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अभी तो यहाँ पे हमने बस आर सॉफ्टवेयर को ओपन ही किया है, ठीक है। तो ऐसा मैंने कोई पुराना काम नहीं किया, बट मान लो हमने बहुत सारा काम कर लिया होता तो मेरे वर्क स्पेस में बहुत सारे वेरिएबल्स होते, यहाँ पे बहुत सारा डेटा होता। तो सबसे पहला काम होता है कि आपको अपना वर्क स्पेस, जब आप शुरू में काम करना शुरू करो, अपना वर्क स्पेस खाली कर दो। हाँ, कई बार आप इन द मिडल हो, बीच में ब्रेक लेने गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्क स्पेस खाली कर दो, फिर आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर इफ यू आर डूइंग अ फ्रेश स्टार्ट, इफ यू नो कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज एंड देर इज नो नीड फॉर यू टू यूज द प्रीवियस थिंग्स दैट यू डिड, यू कैन क्लियर द वर्क स्पेस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, क्लियरिंग द वर्क स्पेस, क्लियरिंग द वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस क्लियर करने के लिए आपका कमांड होता है आर एम, मतलब रिमूव, ठीक है। एंड देन अब आर एम के बाद आपने जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन किया, अब इन्होंने क्या बोल दिया कि इसको लिस्ट करके इस तरीके से चीजें लिख दो। तो बेसिकली अपना वर्क स्पेस क्लियर करने का जो कमांड होता है वो क्या होता है, इधर लिख दो लिस्ट और इधर लिख दो ब्रैकेट ओपन, ये इस तरीके का जो कमांड है, इससे क्या हो जाएगा आपका, लिस्ट इज इक्वल्स टू एल एस, या दिस इज द कमांड आर एम लिस्ट इज इक्वल टू एल एस ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब जैसे ये एक कमांड है जिससे वर्क स्पेस हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे ये इसको मैंने सिलेक्ट किया और अब मैंने यहाँ पे इसको रन किया, ठीक है। तो ये चीज हो गई रन। अगर यहाँ पे कोई रेड कलर का कमेंट आता है, इसका मतलब कोई एरर हो गया है। वो अभी कुछ भी एरर करके हम लोग दिखाएंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा आर एम लिस्ट इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसे ही खोल दिया और मैंने ये चीज पूरी नहीं लिखी और फिर मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, ये भी रन हो गया। हाँ, तो चलो देख, जैसे मैंने अगर इस तरीके का कमांड रन किया तो इधर क्या आ गया, वार्निंग मैसेज, मतलब कि ऑब्जेक्ट लिस्ट इज नॉट फाउंड, तो कुछ ना कुछ एरर कर दिया। तो अगर यहाँ पे आपने कुछ ऐसी कमांड रन कर दी जिसमें गलती होगी तो ये एक रेड कलर का वार्निंग मैसेज दे देगा या कोई एरर मैसेज दे देगा। तो दैट इज योर साइन कि अच्छा, हमने कुछ गलती कर दी है। और फिर ये जो वार्निंग मैसेज है या जो एरर मैसेज है, इसको पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा, क्या चीज जो है हमने गलत कर दी, फिर उसको सुधारना है, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या हो गया कि हमें अपना वर्क स्पेस जो है रिमूव करना था, तो हमने वो क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे, हाँ आज हम अपना डेटा समझेंगे, डेटा कैसे इम्पोर्ट होता है, क्या होता है बेसिक से, ठीक है। तो डेटा फाइल दैट वी विल बी वर्किंग टुडे, That we will be working on today is wage1.csv, ये एक फाइल है, इस फाइल पे हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, ये हमारा आज का टास्क है, ठीक है। ये एक फाइल है, इस पे हमें थोड़ा थोड़ा काम करना है, ठीक है।
अच्छा तो ओके, ये फाइल पे हमें काम करना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई ये फाइल है कहाँ। मुझे ये फाइल, ये जो डेटा है, ये बुलाना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। एक चीज होती है डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब कि करंटली आप किस स्टेज पे हो, आपका जो आर स्टूडियो है या जो भी आपकी कमांड्स हैं वो कौन से फोल्डर में हो, बेसिकली आप कौन सी जगह पे हो। आप डेस्कटॉप के अंदर हो, आप डॉक्यूमेंट के अंदर हो, आप डाउनलोड्स के अंदर हो, आप इकोनॉमी ट्रिक्स के अंदर हो, आप कहाँ हो अभी। आपका जो काम है वो कौन से फोल्डर के अंदर चल रहा है, वो आपकी बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी होती है। जहां पे आपका काम चल रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब हो सकता है कि पहले मेरा वर्किंग डायरेक्टरी इकोनॉमी ट्रिक्स हो, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे डेस्कटॉप पे काम करना है। तो मुझे अपनी लोकेशन, डायरेक्टरी कैन बी लोकेशन वेयर द वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो आपको मान लो डेस्कटॉप पे जाना है, तो मतलब आप अपनी डायरेक्टरी बदलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू चेंज योर डायरेक्टरी, ठीक है। तो राइट नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को किधर जाना है, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं हूं कहाँ, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो, जैसे भी अब लोगों का ना लिखने का, कमेंट्स लिखने का अलग अलग तरीका होता है। कोई अपने आप से बातें करते करते वाले कमेंट लिखेगा, कोई जनरल तरीके से चीजें लिखेगा। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मेरा अभी कौन सा लोकेशन पे काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू नो वॉट इज माई वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कोड क्या है, GET गेट WD। अब जब आप ये सब लिखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें देखो ऐसे, गेट WD, इससे क्या आएगा कि दिस फंक्शन टेल्स यू कि लोकेट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद नेम मैचिंग देयर आर्ग्यूमेंट गेट एनीवेयर। तो आपको कहीं पे जाना है, कुछ करना है, ये गेट एनीवेयर है और ये गेट वर्किंग डायरेक्टरी है। गेट और सेट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है वो देखो, या फिर अगर आपको कोई चीज, कोई एक फोल्डर पे जाना है उसको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बनाना है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गेट वर्किंग डायरेक्टरी में गए और हमने इसको खुला छोड़ दिया, ओपन करली ब्रैकेट्स, सो दैट विल टेल अस कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। अब ये जो कमांड है, अब यहाँ पे हमने कोई हैशटैग तो लगाया नहीं, तो मतलब ये कमांड रन होगी। तो अब इसको जब अगर हमें रन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया और इधर से एक रन करके ये जो ऑप्शन है इसको रन कर दिया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आया ये देखो जरा, इधर क्या लिखा हुआ है, यूजर्स स्लैश पूनम। तो यूजर स्लैश पूनम, पूनम करके एक सॉफ्टवेयर फोल्डर है, उस फोल्डर में हैं हम लोग, ठीक है। तो मे बी हमें उस फोल्डर में काम ना करना हो, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे वो फोल्डर, तो ये फोल्डर जो है हमारा, ये फोल्डर है, इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, इकोनॉमी ट्रिक्स, मूवीज, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, ठीक है। तो मुझे, मेरा टास्क है कि मेरा सारा काम जो है वो इकोनॉमी ट्रिक्स के अंदर है। जैसे मेरा डेटा जो है H1 CSV, वो इकोनॉमी ट्रिक्स फोल्डर के अंदर है। तो मेरा टास्क क्या है कि मुझे पूनम फोल्डर से एक स्टेप आगे जाके इकोनॉमी ट्रिक्स फोल्डर में जाना है, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, अभी तक जो बात हो रही है वो समझ में आ रही है, कि वो बिल्कुल एकदम बाउंसर जा रहा है, समझ आ रहा है। ओके, यस, डूइंग साइड बाय साइड, परफेक्ट, वेरी नाइस, साइड बाय साइड करते रहो, दैट इज ऑल्सो गुड, यस, गुड गुड गुड। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो हम, मतलब आपको बार बार यूज करने के लिए, मतलब करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये गेट वर्किंग डायरेक्टरी, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, डेटा बुलाना, बाकी के काम तो बाद में आते हैं। सबसे पहले काम होगा कि डेटा बुलाना है, ठीक है, क्योंकि फिर वहीं से एक्स वेरिएबल आएगा, वहीं से वाई वेरिएबल आएगा, फिर डेटा को समराइज करोगे, वो सब बाद के स्टेप्स हैं, अभी हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। कमेंट लिखना आना चाहिए, ठीक है, वर्क स्पेस क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी, अभी हम कहाँ पे हैं, फिर अब हम कहाँ पे जाएं, वो सब देखना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया गेट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये जो गेट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड हमने रन करी, इसका रिजल्ट आया यूजर पूनम, मतलब हमें समझ आ गया कि हम पूनम फोल्डर के अंदर हैं।
अब हमें यहाँ पे नहीं काम करना, हमें ये इकोनोमेट्रिक्स करके फोल्डर है इसके अंदर जाना है, ठीक है। तो अब मतलब मुझे अपनी डायरेक्टरी बदलनी है, मेरे को अपनी करंट लोकेशन बदलनी है, तो मैं क्या लिख रही हूँ, आई वुड लाइक टू चेंज, आई वुड लाइक टू चेंज माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू इकोनोमेट्रिक्स फोल्डर, ठीक है। जो भी आपको, जो भी चीज, जो भी भाषा, जो भी हिंदी में, जो भी इंग्लिश में समझ में आती है, उस भाषा में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप उर्दू भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्रेंच लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो। हाँ, तो हमें जो है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी इकोनोमेट्रिक्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक कमांड होती है वर्किंग डायरेक्टरी बदलने की, वो होती है सेट वर्किंग डायरेक्टरी, SET, सेट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इसमें ब्रैकेट ओपन किया, अब इसमें ब्रैकेट ओपन करके आपको बताना है कि कहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। तो मुझे जो है जाना जो है वो यूजर्स पूनम तो समझ गए, लेकिन इसके एक स्टेप और आगे जाना था। तो बेसिकली पूनम के बाद ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ये बताता है कि अच्छा इस फोल्डर में, फिर इस फोल्डर में, इस फोल्डर में। तो पहले हम यूजर्स के अंदर थे, फिर उसके अंदर एक फोल्डर था पूनम, अब मुझे पूनम के आगे एक और फोल्डर है इकोनोमेट्रिक्स, उसमें जाना है, ठीक है। तो मैं इधर इकोनोमेट्रिक्स लिख दूंगी, एंड प्लीज मेक श्योर कि जो आप कंप्यूटर जो है ना, कैपिटल ई को कैपिटल ई ही पढ़ता है, स्मॉल ई को स्मॉल ई पढ़ता है। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ना इकोनोमेट्रिक्स ई को, अब ये फोल्डर कैपिटल ई से था, मैंने लिख दिया स्मॉल में, उसको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा। उसके लिए कैपिटल ई मतलब कैपिटल ई, जो ऐसे जिद्दी बच्चे नहीं होते बचपन में कि हमारी मैडम ने तो यही बताया है, उनकी मैडम ने अगर बोल दिया 2 + 2 = 5 तो मतलब 5, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो कंप्यूटर इज लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल इकोनोमेट्रिक्स लिख दिया तो अब देखना ये क्या बोलेगा, अब ये यही बोलेगा कि ऐसा तो कोई फोल्डर है ही नहीं। अरे ये क्या हुआ, ये तो कुछ और ही हो गया। इट शुड से दैट, दिस इज नॉट राइट। ओ इट अंडरस्टूड, सो देन मे बी आई वॉज रॉन्ग। जब मैंने ये डायरेक्टरी सेट करी और फिर मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करी तो इसने इसी को रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, तो मतलब इट डजेंट, ओके इट डजेंट डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। लेट मी ट्राई दैट अगेन जस्ट टू कंफर्म। मैं अगर कुछ रैंडम चीजों को कैपिटल कर देती हूँ तो भी क्या ये ऐसा करेगा, कैन नॉट चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, यूजर्स पूनम इकॉन, ठीक है। तो बेसिकली ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में डिफरेंशिएट नहीं करता है, तो अभी भी हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है, चलो मेरा भ्रम दूर हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो अभी हमारी करंटली वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो ये हो गई, यूजर पूनम इकोनोमेट्रिक्स। सो इसका मतलब क्या है कि अब हम इस फोल्डर में आ गए हैं और यहाँ पे जो भी चीजें हैं हम इनको बुला सकते हैं, क्योंकि अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जो भी काम होगा, जो भी आप स्क्रिप्ट वगैरह सेव करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, यहां तक क्लियर है, तो बच्चा इम्प्रूव्ड परहैप्स, यस। आजकल पीपल आर थोड़ा ओपन, ओके गुड, ठीक है।
हाँ जी, अब हम लोग इसके बाद क्या कर रहे हैं, हाँ इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, अब हमें क्या करना है, तो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी ये हो गई है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा डेटा देखें, जैसे ये वेज वन डेटा है, उस डेटा को हमें थोड़ा समझना है, ठीक है। तो अब मतलब ये जो वेज वाला डेटा है, वेज वन CSV, इसको बुलाना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि यू वॉन्ट टू रीड द डेटा सेट, ठीक है, यू वॉन्ट टू रीड द डेटा सेट। अच्छा, पीपल हु आर डूइंग इट साइड बाय साइड, यू विल नीड द डेटा सेट, सो लेट मी जस्ट शेयर द डेटा सेट विद यू इन केस समबडी इज डूइंग इट साइड बाय साइड। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डेटा भेज दूँ, विल दैट बी ओके, और वॉट शुड आई डू, और आई कैन सेंड द लिंक फॉर दिस डेटा सेट एज वेल, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर दिस ऑन व्हाट्सएप देन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट वन सेकेंड, यस आई हैव शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, सो यू कैन चेक दैट, ठीक है, इफ यू आर डूइंग इट साइड बाय साइड। ऑलराइट, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं सिर्फ दोबारा से। हाँ जी, तो हम कहाँ हैं, यस ओके। तो अब आपको डेटा सेट रीड करना है, ठीक है, रीड द डेटा सेट। अब डेटा सेट पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, अब आपको जो है इसके लिए हमारी कमांड क्या होती है, आप एक नया कोई भी डेटा सेट आप नाम दे रहे हो, जैसे ये वेज डेटा है, तो मैंने लिखा कि चलो ठीक है वेज डेटा जो है ना, अब आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, वेज डेटा, आपने एक आइटम डिफाइन कर दिया, और आप क्या कह रहे हो कि वेज डेटा क्या है, ये जो सिंबल है ये बोल रहे हैं कि ये सिंबल जो होता है ना, क्या बोलेंगे इसको, लेस देन ग्रेटर देन एंड देन वन स्लैश, इसका मतलब है कि आप अब वेज डेटा नाम कहीं पे भी आप यूज करोगे ना, तो उसका मतलब जो आगे वाली चीज होगी वो अपने आप खुल जाएगी, ये इसका मतलब है, ठीक है, ये वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो। तो मुझे जो है क्या करना है, मैं मेरा जो डेटा है वो एक CSV फाइल है, डॉट CSV फाइल इसका एक्सटेंशन है, तो मुझे क्या पढ़ना है, एक CSV फाइल को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, रीड डॉट CSV, रीड डॉट, देखो ये कमांड आ गई, रीड डॉट CSV। अब ये क्या कर रही है, अब इन्होंने ये जो फंक्शन है इसमें डिफाइन कर दिया है कि ये क्या है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट रीड्स अ फाइल इन टेबल फॉर्मेट एंड क्रिएट्स अ डेटा फ्रेम फ्रॉम इट। तो ये एक CSV फाइल, ये फंक्शन जो है ये एक CSV फाइल पढ़ता है और उससे एक डेटा फ्रेम बना देता है विद केसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइन्स एंड वेरिएबल्स टू द फील्ड इन द फाइल। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो ये रीड CSV हो गया। अब इन्होंने क्या लिखा है, इधर फाइल, फाइल मतलब फाइल की लोकेशन बताओ कि कहाँ पे है, ठीक है। अब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी इकोनोमेट्रिक्स है, तो मैं इस डेटा को दो तरीके से बुला सकती हूँ मैम, इफ वी यूज दिस ओके डबल स्लैश इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड स्लैश बैक डबल बैकवर्ड स्लैश इंस्टेड ऑफ दिस ऑल्सो वर्किंग। हाँ, तो आई थिंक ये जो है ना विंडोज और मैक का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जैसे
मैक में तो ये कमांड चल रही है. लेट मी चेक इफ दिस वर्क्स इन दिस आल्सो. इसको ट्राई कर लेते हैं अभी. जो जो भी सवाल आए वो तो आप इमीडिएटली ट्राई कर ही सकते हो. जैसे अगर मैं इसमें बैकवर्ड स्लैश लगाऊं, ठीक है, तो ये इसमें आई थिंक काम नहीं करेगा. इट विल शो समथिंग. तो ये वाला जो कमांड है ये विंडोज में आई थिंक वर्क करता है, मैक में नहीं करता है. तो मैक में आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होता है. ठीक है, या तो वो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. ओके जी, तो ये हटा देते हैं इसको. अब इसका कोई काम नहीं है. हाँ, तो हम कहाँ थे? हमें डेटा पढ़ना है. वी वॉन्ट टू रीड द डेटा, राइट? ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, रीड डॉट सी एस वी. अब मुझे जो है इसकी फाइल की लोकेशन बतानी पड़ेगी. तो मेरी जो फाइल की लोकेशन है वो मैं कैसे बताऊंगी? दो तरीके हो सकते हैं. या तो मेरी ये जो फाइल की लोकेशन है इसका पूरा रास्ता बता दूं मैं, ठीक है, कि मैं पहले यूजर पे जाओ, फिर पूनम पे जाओ, फिर इकोनोमेट्रिक्स पे जाओ, फिर ये डेटा मिलेगा आपको. एक तरीका ही है. तो क्या तरीका है? कि एक तो आप ये कर लो कि ये वाली जो कमांड थी ना इसको कॉपी कर लो इधर, और इधर ये पूरा लिख दो. और फिर इकोनोमेट्रिक्स के अंदर क्या चाहिए था हमें? wage1.csv, wage1.csv. एक तरीका तो ये हो गया. अब ये वाला जो पार्ट है ना, अब इसका काम, इसका यूसेज देख रहे हो आप, क्योंकि आपको बार बार लोकेशन बतानी होती है. तो ये आप यहाँ से पता करते हो कि अच्छा, मैं इकोनोमेट्रिक्स में थी, फिर इसके अंदर मुझे ये चाहिए. अब इसका एग्जैक्ट नाम मुझे चाहिए यहाँ पे, wage1. इसको मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो फिर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. एवरीथिंग शुड मैच, ठीक है. तो ये आपने इस तरीके से इसको रीड कर लिया. और फिर हमने जो है, अब जो भी मेरा नया डेटा बन के आएगा वो एक वेज डेटा करके एक डेटा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है. तो इसको जो है हमने रन कर दिया, इधर इसको रन किया. अब ये रन हो गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है. और अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो, कैन यू सी दिस? इन दिस इन्वायरमेंट नाउ यू हैव दिस. अब एक वेज डेटा नाम का एक डेटा फ्रेम बन गया. और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें 526 ऑब्जर्वेशन हैं ऑफ 24 वेरिएबल्स. तो 24 वेरिएबल्स हैं और उनकी कितनी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके लिए नंबर ऑफ रोज कितनी है? 526. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 24, ठीक है. तो अब वेज डेटा नाम का कुछ है यहाँ पे, तो वो ये हो गया. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया कि भाई मेरा एक नंबर है ए, एक लेटर है ए, जिसको मैंने वैल्यू दे दी ए इक्वल्स टू टू. ए को टू वैल्यू दे दी और इसको मान लो मैंने रन किया, ठीक है. तो यहाँ पे ये देखो कि मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे काम करने में मैं क्या क्या चीजें डिफाइन कर रही हूँ ना, वो सब यहाँ पे लिस्टेड होगा, ताकि आपको बाद में रेफर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. अभी तो हमारी स्क्रिप्ट इतनी छोटी सी है, तो आपको लग रहा है कि इसमें क्या है, ये बताने के अलग से लिखने की क्या जरूरत है. लेकिन जब बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड काम करोगे तो भूल जाओगे कि कौन सी चीज कहाँ है. तो आप फिर यहाँ देखा करोगे कि अच्छा, मैंने ए को क्या बोला हुआ है, बी को क्या बोला हुआ है, और ये सब चीज, ठीक है. तो ये सब कहाँ पे मिलती है आपको? इन्वायरमेंट में. इन्वायरमेंट में क्या होता है कि क्या क्या डेटाज हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, वो सब कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. इज दैट ऑल राइट? ये चीज समझ आ गई? ठीक है, परफेक्ट. चलो अब हमें क्या करना है? अब हमने डेटा पढ़ लिया है. अब हाँ, और दूसरा तरीका जो है वेज डेटा, अब मैं सेम ही डेटा को किसी दूसरे नाम से सेव कर लेती हूँ. दूसरा तरीका ऑफ इम्पोर्टिंग इट, वो क्या हो सकता है कि हम क्या करें, वेज डेटा टू या डेटा वन लिख दो, एक नया नया नाम दे दो, ठीक है. और इसको क्या बोल दो, रीड डॉट सी एस वी, ठीक है. और फिर इसको ब्रैकेट ओपन. और फिर हम लोग, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी? हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी इकोनोमेट्रिक्स फोल्डर. तो अब इकोनोमेट्रिक्स फोल्डर के अंदर मेरे पास एक वेज डॉट सी एस वी करके एक फाइल है, wage1.csv. उसको इम्पोर्ट कर लो. होपफुली इट शुड वर्क, देर शुड बी नो प्रॉब्लम, बट लेट्स सी. या तो मैं ऑलरेडी इकोनोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर थी, इकोनोमेट्रिक्स फोल्डर के अंदर थी.
तो अब मेरे को ना बार बार ये इकोनोमेट्रिक्स तक के आइटम्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वेज वन डॉट सी एस वी करके भी अपना डेटा बुला सकती हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो जो भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होती है वहां तक की चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, उसके आगे अगर कहीं जाना है तो वो आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है। तो ये मेरा दूसरा डेटा वेज वन डेटा, जिसमें 526 ऑब्जर्वेशंस हैं और 24 वेरिएबल्स, वो दोबारा से ओपन अप हो गया है। ठीक है, इज दैट ऑल राइट? ठीक है, वेरी नाइस। ओके, तो ये हमारा जो है डेटा रीड हो गया। अच्छा, इस डेटा को खोलने का जो तरीका है वो आप यहाँ से ऐसे ओपन करके देख सकते हो इसको। आप अगर इधर क्लिक करोगे ना तो ये आपको दिख जाएगा कि डेटा किस तरीके का है। तो अब ये डेटा, अब आपका टास्क क्या है कि डेटा को देखें थोड़ा कि क्या है डेटा में। तो अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शोइंग वन ऑफ नाइन ऑफ 526 एंट्रीज। 526 एंट्रीज है, लेकिन उसमें से अभी आपने 1 to 9 ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। और फिर अलग अलग वेरिएबल्स के नाम है, वेज, एज्यू, सी, एक्सपीरियंस, टेन्योर, नॉन वाइट, फीमेल, मैरिड, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं इनके कुछ कुछ नाम है। अब इनका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन होगा कि हर वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, आइडियली होना चाहिए। तो ये आपके 24 कॉलम्स हैं और ये आपके टोटल 526 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, और ये वेज की अलग अलग वैल्यू है, एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की, टेन्योर, वाइट हो नॉन वाइट हो, 0101 वैल्यूज मिल रही हैं। एक वेरिएबल है फीमेल जिसमें 0101 वैल्यूज है, मैरिड में भी 0101 वैल्यूज हैं। इस तरीके के अलग अलग नंबर्स हैं आपके। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली ये कमांड लिख देते हैं कि व्यू वेज डेटा, जो कि इन्होंने खुद यहाँ पे ऑपरेट की हुई है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको यहाँ पे कोई डेटा देखना है तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर। जैसे मुझे वेज वन देखना है तो मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये वेज वन करके डेटा आ गया। अब आप इसको थोड़ा बहुत देख लो, इसको थोड़ा सा नीचे करके चीजें देख सकते हो। इसको नई विंडो में देखना है, बिल्कुल सिर्फ डेटा को ही एक्सप्लोर करना है तो वो नई विंडो में भी देख सकते हो। ठीक है, और फिर इस विंडो को आप हटा के फिर वापस इधर आ सकते हो। ठीक है, इसको फिर आपने क्लोज करना है तो आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, इस तरीके से डेटा को बेसिक तरीके से देखा जाता है। ये तो क्या, अब इसमें 526 ऑब्जर्वेशन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये सब एक साथ चीजें हमारे को देखना पॉसिबल नहीं है। क्या पता सिर्फ दिख रहा होगी 0010101 वैल्यू है, बीच में कहीं 2 वैल्यू आ जाए, वो भी तो पता करना है ना। तो उस तरीके की चीजें अगर समझनी है तो हमें फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा डेटा को समझने के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई कि जो जो डेटा बनता जा रहा है या जो अलग अलग नाम से डेटा फ्रेम बन रहे हैं वो सब इधर लिस्टेड होंगे। और अब हमारा काम क्या होगा, डेटा को बुलाना कैसे है। डेटा को बुलाना कैन बी बेस्ड ऑन टेलिंग द डेटा कि भाई हर स्टेप में डेटा कहाँ पे मिलेगा, मतलब पूरी लोकेशन देना एग्जैक्ट, या फिर जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है जो भी है आपकी, वहां से क्या रास्ता है वो बता दो। तो वहां से रास्ता बस यही था कि इकोनोमेट्रिक्स में थे और फिर सीधा वेज के अंदर ही वेज वाला फाइल ही पिक करना था, तो वहां से हमने इसको डायरेक्टली पिक कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा अब मुझे देखना है कि ये जो वेज डेटा था ना, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। आपको फिर ये देखना होता है कि ये अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके के हैं, नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, क्या हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनका स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड होती है, सो ऑल आई एम गेटिंग इज एरर नाउ वेयर। अब आपको वर्किंग डायरेक्टरी, अच्छा तो आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जो भी आपका वेज वन डॉट सी एस वी है वो आपको अप्रोप्रिएट फोल्डर में डालना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि जहां पे भी वो वेज वन सी एस वी डेटा है उसकी जो लोकेशन है उसको अपनी डायरेक्टरी बना लो। तो आपको कंप्यूटर को सही जगह पे लोकेट करना पड़ेगा कि यहाँ जाके वेज वन ढूंढनी है। ठीक है, तो आई थिंक पॉसिबली दैट इज वाई यू माइट बी गेटिंग दी एरर। ठीक है,
या हाँ ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ना डेटा किस तरीके का है, कैसा है, ये जो स्टेप्स हम कर रहे हैं ना, ये हर डेटा के लिए आपको करने हैं। पहले डेटा को समझना है कि क्या है डेटा, उसके लिए पहले देखेंगे कि डेटा आया कहाँ से, डाउनलोड करो डेटा को, फिर डेटा को बुलाओ, फिर डेटा को देखो। ठीक है, तो वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर द डेटा सेट। सो अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोरिंग द डेटा सेट दैट वी हैव एंड चेकिंग। अच्छा डेटा सेट का एक्सप्लोर कर रहे हैं और राइट नाउ वी वॉन्ट टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, डेटा का स्ट्रक्चर चेक करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, str, ये कमांड होती है स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये str हो गया स्ट्रक्चर चेक करना। स्ट्रक्चर क्या बताएगा, कौन सा वेरिएबल क्या है, कौन सा वेरिएबल नंबर है, कौन सा वेरिएबल इंटीजर है, ये सब। अब किस चीज का स्ट्रक्चर चेक करना है, वेज डेटा का। तो इधर अंदर जो है आप लिख दो वेज। अब देखो वेज डेटा ये रिकग्नाइज हो चुका है, तो अब इसमें वेज डेटा वन का चाहिए कि वेज डेटा का चाहिए, तो ये आपने एंटर कर दिया, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। और फिर ये आपने ऐसे लिख दिया, और फिर ये जो कमांड थी इसको रन कर दिया, इधर ये कमांड लिखी और फिर इसको रन कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गई रन, स्ट्रक्चर वेज डेटा का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर चेक करना होता ए का, क्योंकि ए भी तो कुछ तो हमने डिफाइन किया था। लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग। या सो यू सी हियर, यहाँ पे क्या आया कि ए क्या है, ए एक नंबर है 2। तो इन्होंने बता दिया स्ट्रक्चर मतलब क्या था, वो तो नंबर था और वो नंबर की वैल्यू थी 2। हाँ अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो, हमने क्या लिखा था, स्ट्रक्चर ऑफ वेज डेटा। तो क्या बताया इन्होंने कि ये जो वेज डेटा है ना, ये एक डेटा फ्रेम है। ठीक है, डेटा फ्रेम मतलब इट्स लाइक अ कॉलम्स एंड रोज, उसको डेटा फ्रेम बोल रहे हैं। ठीक है, 526 ऑब्जर्वेशन हैं इसमें, और इसमें 24 वेरिएबल्स हैं, 24 वेरिएबल्स वी हैव। ठीक है, और ये वेरिएबल्स के अलग अलग नाम हैं, वेज, एजु, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टेन्योर, नॉन वाइट, फीमेल, मैरिड, नम, डेप, अलग अलग ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो पहला वेज वेरिएबल है, ये एक नंबर है, न्यूमेरिक है। ठीक है, ये इंटीजर है, मतलब डेसिमल्स में वैल्यू नहीं है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये सब इंटीजर इंटीजर इंटीजर। फिर ये एल वेज, आई थिंक लॉग ऑफ वेज, ये एक नंबर है। फिर ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो ये 24 के 24 वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज इंटीजर है, कौन सी चीज नंबर है, वो सब इन्होंने लिस्ट कर दिया, और उनके कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन भी आपके सामने लिख दिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सो फार सो गुड। एम आई ऑडिबल गाइस? या ओके परफेक्ट, यहां तक समझ आया? परफेक्ट, ठीक है, गुड। तो ये हो गया। अब जैसे कि मान लो मुझे और चीजें करनी है थोड़ी सी। अब जैसे अपनी ना ये स्क्रिप्ट देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये इसको ऐसे कर दिया, बिल्कुल ऊपर ले गए। हाँ अब हम इधर आते हैं। ठीक है, इसको स्पेस को थोड़ा सा खाली कर दिया और इसको ऊपर ले गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो कोई पैकेज इंस्टॉल करना होता है हमें। अभी हमने बात की थी ना कि कई बार बहुत सारे फंक्शंस किसी पैकेज के अंदर होते हैं। ठीक है, और अगर हमें वो फंक्शन यूज करना होता है तो हमें वो पैकेज बिल बुलाना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है।
तो जैसे यहाँ पे मान लो हेल्प में गए, पैकेजेस में गए, और मान लो मेरे पास एक पैकेज था ये DPL, दिस वन, डेटा मैनिपुलेशन के कुछ कुछ फंक्शंस जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या मिलेगा, एड काउंट्स, अरेंज, ये अलग अलग चीजें हैं बेसिकली, कलेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग चीजें इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे ये वाला जो पैकेज है ये इंस्टॉल करना है, तो इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे? ठीक है, ये बेसिक चीज समझते हैं। तो आई वॉन्ट टू इंस्टॉल सम पैकेजेस एंड सी हाउ टू लोड दैट, लोड लोड दैट पैकेज। ठीक है, तो मुझे मान लो ये वाला पैकेज था, कौन सा पैकेज, नाम क्या था इसका, कहाँ गया, हाँ DPLYR। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कमांड सिंपल सी रन करनी है। क्या करना है, तो आप क्या लिखोगे, इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल, ठीक है इंस्टॉल लिख दिया। अब देखो आगे खुद ही आ गए, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस लिखा, और जो पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, मुझे जो पैकेज इंस्टॉल करना था वो क्या था, DPLYR, ये पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ठीक है, इसके DPLYR, हाँ तो व्हाट डू यू वांट टू डू, ये इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि एक फंक्शन होता है पाइप फंक्शन, वो यूज कर पाए। ठीक है, टू यूज द पाइप फंक्शन लेट्स से, या कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मान लो ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, या नहीं लिखना तो मत लिखो, तो इसको जो है रन कर दो। अब जब इस लाइन को आप रन करोगे ना, तो सिर्फ इसका ये हिस्सा रन होगा, जिसके बाद हैशटैग लगा हुआ है वो हिस्सा नहीं रन होगा, तो आप इसको रन कर सकते हो। तो अब इसने क्या किया, अब ये देखो, ये इधर क्या लिखा, इंस्टॉल पैकेजेस ट्राइंग दिस URL टू रन दिस, एंड देन इसने लिखा कि चलो अब डाउनलोड कर लिया है, और फिर डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन दिस, तो जो डाउनलोड करके जो पैकेज बना वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज डाउनलोड हो गया, इसने बोला चलो डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं हमारे पास। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पैकेज है जिसका नाम है MAGRIDT, अच्छा पैकेजेस में देखना है, हाँ MAG, दिस वन फॉरवर्ड पाइप ऑपरेटर के लिए मान लो ये है। ठीक है, तो आपने सेम लॉजिक लगाना है दोबारा से, यहाँ पे सेम कमांड रख करनी है, और फिर यहाँ पे उस पैकेज का नाम लिख देना है जो भी चाहिए, MAGRIDT टू यूज द पाइप फंक्शन अल्टरनेटिवली, कि मतलब ये पैकेज भी यूज कर सकते हैं पाइप फंक्शन को यूज करने के लिए, और ये पैकेज भी यूज कर सकते हैं। पाइप फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे, तो इसको इंस्टॉल करना है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि हाउ ऑल ऑफ दिस हैपन्स हियर। ठीक है, तो हाँ इसमें जो नीचे हो रहा है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना। तो ये हो गया, उसके भी पहले इसको थोड़ा सा ये कर दो, इस स्क्रीन को थोड़ा खाली कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये मुझे रन करना है। अब मैंने रन किया, अब ये इंस्टॉल डॉट पैकेजेस हुआ, फिर उसने ये URL पे गया, ये पैकेज डाउनलोड किया, और फिर उसको डाउनलोड कर दिया, और फिर बता दिया कि हो गया डाउनलोड। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पैकेजेस डाउनलोड हो गए। ठीक है, अब पैकेजेस डाउनलोड करना काफी नहीं होता, तो पैकेज तो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अब उस पैकेज को कॉल भी करना पड़ता है, कि बुलाना भी पड़ता है कि भाई अब बुलाओ इस पैकेज को, और इस जैसे आपने वो पैकेज को बुला लिया उसके फंक्शंस आप यूज कर पाओगे। तो जब भी आपको कोई पैकेज आपने इंस्टॉल किया और उसको कॉल करना है, बुलाना मतलब कॉल करना मतलब बीइंग एबल टू यूज द फंक्शंस दैट यू आर यूजिंग ओवर देयर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड होगी लाइब्रेरी। ठीक है, कमांड होती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लाइब्रेरी, और फिर अपने पैकेज इधर लिखा है लाइब्रेरी के अंदर जो पैकेज है ना उसका नाम लिख दो,
तो पैकेज हमारा नाम था DPLYR। अब ये देखो, उसने खुद इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि आपने उसको इंस्टॉल कर लिया था। अब ये ऐसे कर दिया, अब जैसे ही आपने इसको रन किया तो ये चीज जो है रन हो जाएगी। तो अब इसने क्या है, क्या बताया इधर कि ये पैकेज यूज कर लिया है, इसमें फिल्टर लैग फंक्शन होगा, इंटरसेक्ट और सेट डिफरेंस, सेट इक्वल, यूनियन, ये सब होंगे। इस तरीके के जो फंक्शंस हैं आप यूज कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा सेम चीज, अब आपको ये दूसरा पैकेज जो था MAGRIWTR, इसको भी बुलाना है, इसके फंक्शंस अगर यूज करने तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे लाइब्रेरी और फिर अपना MAG ये पैकेज इसको कॉल कर दो। इससे क्या है कि इस पैकेज में जो फंक्शंस थे वो अब आप यूज कर पाओगे। तो इसने आराम से बता दिया और ये लाइब्रेरी लोड हो गई, ठीक है। इज दैट ओके? सो फार सो गुड। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या देखा है, हमने ज्यादा चीजें कवर नहीं करी हैं, बट अभी के लिए जो है एकदम से आई डोंट वांट यू नो बर्डन विद ऑल द न्यू 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 फंक्शंस एंड ऑल। अभी के लिए आपका टास्क क्या है, जो आज चीजें क्लास में हुई हैं वो थोड़ा सा देखो, ठीक है। अलग अलग डेटा डाउनलोड करके उसको कॉल करके देखो, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरीज कैसे बदलनी है वो देखो, आर डाउनलोड करना है, आर स्टूडियो डाउनलोड करना है, ये बेसिक काम जो है अभी करके रख लो, ठीक है। और हम लोग जो है वीक में 2 क्लास लिया करेंगे, सिर्फ 1 क्लास से अपना काम नहीं होगा, तो वीकली विल टेक 2 सेशंस एंड टाइमिंग्स एंड ऑल आई लेट यू नो। बट या तो अभी के लिए आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क वो भी यही देखते हैं, होमवर्क क्या है। आई विल शेयर दिस डेटा वेज वन, आई हैव ऑलरेडी शेयर इट ऑन व्हाट्सएप बट आई विल अपलोड दैट एज वेल। वो डेटा को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर सबके लैपटॉप में डाउनलोडेड होने चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टरीज कैसे चेक करनी है, नए पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने, ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक बेसिक डू द सेम थिंग्स दैट वी हैव डन इन क्लास। एंड आई विल शेयर सम गुड, आई विल ट्राई टू फिगर आउट सम गुड बुक्स दैट आर देयर इन केस यू वॉन्ट टू गेट टू मच डीपर इन टू द आर लैंग्वेज, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल हर चीज की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमारे इकोनोमेट्रिक्स के परस्पेक्टिव से जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंड आई विल शेयर दिस आर फाइल, द वेज वन डेटा फाइल एज वेल, सो दैट यू नो यू कैन प्रैक्टिस। तो ये जो आर फाइल है ये मैं अपलोड कर दूंगी ताकि इसके कॉमेंट्स भी आप पढ़ सको, क्लास में क्या क्या कोड्स यूज हुए थे वो सब भी आप देख सको, ठीक है। फाइन, एनी डाउट सो फार? पहला टास्क है अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना और धीरे धीरे जो है उसको ओपन अप करके देखना। कैन वी ऑल्सो रीड द फाइल डायरेक्टली? रीड द फाइल डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ? मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट यू मीन बाय रीडिंग द फाइल डायरेक्टली फ्रॉम क्लिकिंग ऑन दैट फाइल। हाँ, तो वो फाइल पे क्लिक करके आपकी फाइल खुल जाएगी वो, लेकिन आपके कंप्यूटर में खुलेगी, वो आर के अंदर नहीं खुलेगी। जैसे यहाँ पे आपने फाइल में या वेज वन CSV व्यू द फाइल, आपने ये फाइल देख ली कि भाई ये फाइल में क्या है, ठीक है। फिर अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे इधर गए आप, अब आपको इसमें फिर से बताना पड़ेगा कि आप इंपोर्ट करना चाहते हो इसको। वेयर इज दैट ऑप्शन? या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, इंपोर्ट डेटा सेट फ्रॉम एक्सेल फ्रॉम स्टेटा। हाँ, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सेट, इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस, प्रिपेयरिंग डेटा, इंपोर्ट रिक्वायर प्रिपेयरिंग, ठीक है।
ये दो तरीके के पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं. डू यू वांट टू इंस्टॉल? ओके चलो लेट्स इंस्टॉल. तब उसने वो दो पैकेजेस डाउनलोड कर लिए. ठीक है, काफी कुछ उसने डाउनलोड किया. तो अब इसने हमें वो बता दिया, ये पूरी इसने जो है ना एक वो बता दिया, कोड दे दिया कि ये कोड आप डायरेक्टली रन करके, जो कि हमने भी किया था, रीड डॉट सी एस वी, रीड सी एस वी, ये आप यूज करके इसको डायरेक्टली रीड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन इट. ठीक है, तो ठीक है अपडेट. तो अब ये आप डायरेक्टली देख सकते हो. ठीक है, प्रॉब्ली कहाँ दैट फाइल, नॉट फ्रॉम दी आर फाइल. यस हाँ ठीक है ओके. अच्छा हाँ, तो ये हमारी फाइल है और अगर आपको इसको इंपोर्ट करना है तो आपने लिख दिया इंपोर्ट. तो अब ये जो है डेटा आ चुका है और ये जो डेटा है इन्होंने इसका नाम वेज वन लिख दिया है, जो कि उसके नाम से आया था, वेज वन डॉट सी एस वी था. तो ये वेज वन करके एक जो है डायरेक्टली आपकी स्क्रिप्ट रन हो गई. ठीक है, तो आपने एक्चुअली क्या यूज किया इधर देखो, ये वाला कोड इन्होंने ऑटोमेटिकली रन कर दिया आपके लिए. ठीक है फाइन, हाँ यू कैन डू दैट एज वेल. ओके ऑल राइट. एंड देन फाइनली हमने एक चीज सीखी थी क्या, कि जब आपका सारा काम हो जाए तो उसको क्लियर कर दो. ठीक है, उसके पहले अपनी जो आर फाइल है उसको सेव करना मत भूलना, अदरवाइज वो बंद हो जाएगी. ठीक है, इसको सेव कर लिया, ये सेव हो चुकी है और फिर इधर से फिर से सब कुछ क्लियर करना है. तो मान लो आपने ये कोड दोबारा से रन कर दिया. ठीक है, तो इसको रन किया. तो अब देखो, अब अपने इन्वायरमेंट में देखोगे सब कुछ खाली हो चुका है. तो अब ये नहीं जानता वेज वन क्या था, वेज डेटा क्या था, ए क्या था. नाउ इट्स अ ब्रांड न्यू थिंग. ठीक है फाइन. एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू क्विट माई आर स्टूडियो, सो आई जस्ट से क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड देन आई विल रन इट हियर. सो बस ये रन हो गया और क्लोज हो गया. फाइन ठीक है चलो ओके. ऑल राइट गाइज, सो ट्राई टू प्रैक्टिस वट एवर हैज बीन डन इन क्लास टूडे. वॉट आई विल डू इज आई विल गिव यू द स्क्रिप्ट दैट हैज बीन डन इन द क्लास अलॉन्ग विद द डेटा. एंड प्लीज ट्राई टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड ऑल. एंड जो भी डाउट्स हों वो आप ग्रुप पे पोस्ट कर देना. ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन वीकली विल कीप टू सेशंस ताकि चीजें अच्छे पेस पे हों, क्योंकि दैट विल बी इम्पॉर्टेंट. ओके चलो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन देन. ओके आई होप यू आर एबल टू डू दैट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा. आई तो पर्सनली लाइक ऑल ऑफ दिस, यू विल ऑल्सो लाइक इट. ओके ऑल राइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.